शब्द था स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। ओके तो चलिए अगली थ्योरी हम लेते हैं, रिवाइटलाइजेशन थ्योरी। ये वैसे नाम से ही आपको समझ आ जाएगी। रीवाइटलाइजेशन थ्योरी, तो रीवाइटलाइजेशन थ्योरी में क्या होगा, पुनर् जो जोश जागता है, पुनर् जो बात है, किसने दी है, गिवन बाय वैलेस, वैलेस ने दिया इसको, इट इज गिवन बाय वैलेस। और ये थ्योरी जो है कहती है कि सोशल मूवमेंट्स, वी कैन राइट बाय सेइंग सोशल मूवमेंट्स ऑल्सो एक्सप्रेस, सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, दे ऑल्सो एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन एंड डिसकंटेंट, डिससेटिस्फेक्शन एंड डिसकंटेंट अगेंस्ट द सिस्टम एंड दे ऑल्सो ऑफर अ पॉजिटिव अल्टरनेटिव, दे ऑल्सो ऑफर ए पॉजिटिव अल्टरनेटिव एंड दिस पॉजिटिव अल्टरनेटिव is the cause for positive movements. Can you name one positive movement in India? बताइए क्या आप इंडिया में किसी पॉजिटिव मूव हाँ बोलो सरस्वती। क्लाइमेट चेंज। हाँ क्लाइमेट चेंज है, बिल्कुल सही बात है, प्लास्टिक कम यूज करो, कंजम्पशन कम करो, तो पॉजिटिव अल्टरनेटिव क्या दिया, कागज यूज करो, जरूरत की चीजें करो, ये हो गया आपका पॉजिटिव मूवमेंट। और भी बहुत सारे पॉजिटिव, सॉल्ट सत्याग्रह आंचल जी है पॉजिटिव, लेकिन सामाजिक आंदोलन नहीं है ना, वो राजनीतिक आंदोलन। नर्मदा बचाओ भी है, नर्मदा बचाओ में उन्होंने अल्टरनेटिव क्या दिया, तो इसीलिए हम उत्तर जो है सिर्फ किस दिशा में दे सकते हैं, जो सरस्वती ने बोला कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया या फूड प्रिजर्वेशन हो गया, इन सब के केस में हम कर सकते हैं, ठीक है जी, रादर देन अदर वे राउंड। तो ये हो गया एक रिवाइटलाइजेशन थ्योरी, इसका अल्टरनेटिव हो गया पॉजिटिव मूवमेंट। एक हो गया थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिटी। यानी ऐतिहासिकता से जो जुड़ी हुई बात है वो हो गई थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिटी। किसने दिया ये, गिवन बाय एलन ट्यूरिन साहब ने दी। क्या कहा उन्होंने, एलन ट्यूरिन गिवन बाय एलन ट्यूरिन इन हिज वर्क द वॉइस एंड आईज, इन हिज वर्क द वॉइस एंड द आई, उनके कार्य का नाम क्या था, वॉइस एंड द आई, 1981 में दिया इन्होंने, द वॉइस एंड द आई एन एनालिसिस ऑफ सोशल मूवमेंट्स। यानी आंखें और आवाज सामाजिक आंदोलनों पर एक
विवेचना की, एक विश्लेषण किया, एक उनका एनालिसिस किया, it gives it gives values to the historicity of people and place. Historicity of people and place. From where the movement started. And that provides specific historicity. That provides specific historicity to that movement. यानी हर मूवमेंट का जो है एक जागरण होता है, और वो जागरण जो है किसी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ होता है, और वहीं से मूवमेंट का राइज होता है। तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट टी के ओमन ऑल्सो एग्रीज विद दिस पॉइंट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट टी के ओमन ऑल्सो एग्रीज विद दिस पॉइंट। ओके, कोई आप बता सकते हैं ऐसी मूवमेंट जो स्पेसिफिक तरीके से शुरू हुई हो? बताइए। बताइए। चिपको मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। और कोई नाम? साइलेंट वैली मूवमेंट का भी नाम आप नोट कर सकते हैं। साइलेंट वैली मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, है ना जी? फिर एक और थ्योरी मैं आपको बता देता हूं। अब जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं उसमें हमें और सोचना है। भक्ति मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है, भक्ति मूवमेंट भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी थ्योरी, है ना? स्टेटस इनकंसिस्टेंसी थ्योरी किसने दी है? ब्रूम एंड लेंस्की। क्या कहते हैं ब्रूम एंड लेंस्की, ये भी बता देता हूं मैं साथ में आपको। ब्रूम एंड लेंस्की सेज दैट देयर इज ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिपेंसी बिटवीन
ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिपेंसी बिटवीन पीपल्स रैंकिंग एंड स्टेटस डायमेंशन, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिपेंसी बिटवीन पीपल्स रैंकिंग एंड स्टेटस डायमेंशन, कहने का अर्थ क्या है, सामाजिक प्राणी होने के नाते यदि समाज में सभी व्यक्तियों में सामाजिक स्तर पर आपस में विभेद है, किसी का ऊंचा स्तर है किसी का नीचा स्तर है, तो वो भी जो है टेंशन जनरेट करेगा और उससे भी सामाजिक आंदोलन शुरू होगा। यू नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन पीपल्स रैंकिंग एंड स्टेटस डायमेंशन विल जनरेट सोशल टेंशंस इन ए सोसाइटी leading to cognitive dissonance, discontent and protest. कल हमने बात की थी ना अंबेडकर जी की, क्यों सरस्वती, तो क्या किया था अंबेडकर जी ने बताओ, अब तीन तीन शब्द क्या थे, आगे पीछे कौन सा आएगा, देखा फंस गए ना, कास्ट सिस्टम इन इंडिया है, बिल्कुल है, कास्ट सिस्टम है, जाट आरक्षण है, पटेल सारे क्या है, ये हम पीछे रह गए, हमें आगे आना है, सामाजिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, लिख लो इसको सरस्वती जी, There can be further classification of social movements on the lines of ideological orientation, Marxist, fundamentalist, socialist, Gandhian, liberal, ये सब क्या है, आइडियोलॉजिकल है, मार्क्सिस्ट गांधीयन लिबरल सोशलिस्ट कंजर्वेशनिस्ट, ओके। फिर एक हो जाता है मेथड्स के ऊपर, you can classify social movement based on methods, violent, non-violent, peaceful, फिर एक goals के basis पे भी कर सकते हो आप, on the basis of goals, अपना दिमाग लगाना है भाई goal के basis पे कैसे, क्या goal है, immediate goal क्या है, long term goal क्या है, हाँ employment opportunities का goal है कि क्लाइमेट का है कि फूड सिक्योरिटी का है कि वुमेन सिक्योरिटी का है, यू कैन जस्ट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ गोल आल्सो। फिर उसके बाद जो है और भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, चेंज द पैराग्राफ, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन,
गिवन बाई टर्नर एंड किलहान, गिवन बाई टर्नर एंड किलहान ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन. हाँ, टर्नर एंड किलहान ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन क्या हो सकती है? अब क्या ओरिएंटेशन है? ओरिएंटेशन में क्या आ सकता है? एक वैल्यू ओरिएंटेशन. क्या वैल्यू है? ठीक है जी, टर्नर एंड किलहान की वैल्यू ओरिएंटेशन. क्या वैल्यूज रिफ्लेक्ट कर रहा है सोशल मूवमेंट? किस टाइप के सामाजिक गुणों को दर्शा रहा है वो? दूसरा पावर ओरिएंटेशन. अब वैल्यू में भी हमने वैल्यू न्यूट्रल है कि वैल्यू हमने शुरू में ही किया था कॉमन सेंस जब हमने किया था कि सोसाइटी सोशियोलॉजी शुड बी वैल्यू न्यूट्रल. तो वैल्यूज क्या है, कैसी वैल्यूज, ये प्रश्न उठता है डिस्कस करने वाला. दूसरा हमने जैसे कहा पावर ओरिएंटेशन, तो पावर ओरिएंटेशन यानी इलीट क्लास के लिए है, अपर क्लास के लिए है, समाज के निचले तबके के लिए है. पावर अथॉरिटी किसके पास जा रही है, वो हो गया. और फिर उसके बाद जो है पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन, पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, किस प्रकार का आपका उसके अंदर एक पॉइंट जो गया हुआ है वो पावर, यू कैन से पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन. एक ये हो गया, देन चेंज द पैराग्राफ. ऑन देयर कैन बी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चेंज, नेचर ऑफ चेंज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नेचर ऑफ चेंज. डेविड एबरली, गिवन बाई डेविड एबरली, नेचर ऑफ चेंज. डेविड एबरली क्लासिफाइड इंटू फोर टाइप्स. ओके, ए अल्टरनेटिव मूवमेंट. Alternative movement. Alternative movement में क्या होगा? It is suggesting limited change at the individual level. Alternate दे रही है आपको वो. It is suggesting limited change at the personal level. Sir. गुड मॉर्निंग सर. बोलो. हेलो. हाँ बोलो कोमल. गुड मॉर्निंग सर. नमस्कार सर. वो किरण दीदी को लिंक, दीदी आ गई सर. किरण दीदी को लिंक चाहिए. दीदी आ गई हैं आपकी. कोमल थैंक यू. मैंने ऐप से ज्वाइन नहीं हो रहा था तो मैंने गूगल के थ्रू ज्वाइन किया है. मुझे बड़ा अफसोस है कि आप लोगों को ऐप से इतनी दिक्कतें होती हैं. आप लोग बोलते क्यों नहीं भाई? सर नहीं, ऐप से दिक्कत नहीं थी. वो आई हैव लॉस्ट माय फोन लास्ट नाइट जिसके अंदर ऐप था. तो ये कौन सा फोन आपको गुम हो गया? सर मैं जिससे डेली क्लास कर रही थी, मोटोरोला का फोन था. वेरी सैड. कैसे सर? वो मिल जाएगा. ऑल्दो मैं कल रात को डिनर करने कहीं बाहर गए थे तो मैंने अपना फोन वहां छोड़ दिया. हां तो गुम नहीं हुआ ना वो? तो मतलब अभी ऑल्दो वी हैव कांटेक्टेड देम, तो रात को शॉप क्लोज होने की वजह से वो रिटर्न नहीं कर पाए थे. तो आज शायद उनसे जब उन्होंने मान लिया फोन है उनके पास. यस सर. फिर गुम कहां है यार, कमाल कर रहे हो. तो सर आज की क्लास के लिए फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना. ये तो है जीवन में, ये तो करना पड़ता है. इसलिए मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर करने के लिए बोला था कि उसके थ्रू मैं ज्वाइन कर लूंगी. अभी 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 मुझे बोला तो जब से पहले बोला आप आई गए. सर मैंने सुबह अर्ली भेज दिया था मैसेज तो. अच्छा एक सेकंड.
7:30 बजे आ गया था, सही बात है, मैंने भी देखा यार। मैं ऐसे मतलब कम चेक करता हूँ, यू नो स्क्रॉलिंग भी लिमिटेड। ठीक है, वंडरफुल, आप आ गए, अच्छी बात है। तो हम सोशल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं किरण जी, और सोशल मूवमेंट्स में कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, लेकिन वो सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव एरिया है। इसमें सब्जेक्टिव का अर्थ है कि हमें जो जो मूवमेंट है क्या क्लासिफाई किया, ये एक एलिमेंट रहेगा आंसर में, बाकी तो आपको फैलाना ही पड़ेगा। फैलाने के लिए फिर वो जैसे सरस्वती ने बोला कि भैया पवित्र तो समझा दिया सबने, लेकिन अगर शादी पवित्र रिश्ता रह गया है, नहीं रह गया, शादी पवित्र इंस्टीट्यूशन रह गया नहीं रह गया, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो उस पर हमने बात की थी थोड़ी सी, और सब लोगों ने बोला भी। आई रिमेम्बर ब्रिजबाला ने कुछ बोला था। ब्रिजबाला जी, आपकी ड्यूटी का क्या हुआ? यू आर ऑन ड्यूटी ब्रिजबाला जी? हाँ, तो फिर आप वीडियो ऑन करो ना। टुडे आई एम ऑन रेस्ट। तो फोटो दिखाओ भाई, पढ़ाई सामने करो। आप सब लोगों के दर्शन ही इतने दुर्लभ हो जाते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा था कि आप लोगों के पास ही मेजॉरिटी है, आप ही सोशल मूवमेंट चला सकते हैं, आप जो चाहेंगे वो होगा, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए डेविड एब्रली ने सोशल मूवमेंट को 4.4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव मूवमेंट है, अल्टरनेटिव मूवमेंट यदि है तो वो थोड़ा सा चेंज सजेस्ट करेगी एट द लिमिटेड लेवल। ओके, वो अल्टरनेट मूवमेंट हो गया। दूसरा रिडेम्प्टिव, रिडेम्पशन जिसको हम कहते हैं, रिडेम्प्टिव मूवमेंट। आज अगर आप न्यूज़पेपर देखें, जैसे मैं क्लास स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले तक मैं न्यूज़पेपर ही देखता हूँ, इसीलिए कई बार हम 5-10 मिनट बाद में स्टार्ट करते हैं, ताकि कोई ऐसी बात हो तो आपको न्यूज़पेपर की बताई जा सके। जैसे आज के न्यूज़पेपर में भी है कि मोदी जी ने कल ही, आज ही नारायण गुरु थे जो हमारे, उन्होंने कहा था वन कास्ट वन इंडिया, ऐसे करके उन्होंने बात की थी। हमने मॉडर्न इंडिया में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में किया भी था। तो श्री नारायण गुरु के जो विचार थे, वो वर्ण आश्रम धर्म को नहीं मानते थे, तो श्री नारायण गुरु के विचारों को गांधी मोदी जी ने जो है उनको प्रमोट करने की बात कही। दूसरा जैसे आज आया कि बच्चों की वैक्सीन भी आ रही है, 5 से 12 वर्ष और 0 से 5 वर्ष की भी वैक्सीन आ रही है। तीसरी बात फिर उसके बाद आई, अलग अलग बातें आई बहुत सारी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि क्या कहते हैं उसको, जो यूक्रेन वॉर है वो खत्म होने की दिशा में नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तक उसको सप्लाई मिलती रहेगी तो खत्म होने वाला नहीं है। तो चीजें मतलब चीजें मतलब इस प्रकार की हैं कि कुछ हो रही हैं जो कि समाज में पूरा बदलाव लेके आ रहे हैं। तो आपको भी न्यूज़पेपर डेली देखना चाहिए, तभी आप जो है सामाजिक मुद्दों को और हिस्सों को पकड़ पाएंगे। जैसे रिडेम्प्टिव सोशल मूवमेंट जब हम कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो लोगों के अंदर एक रिडेम्पशन लेके आना चाहती है, लोगों के अंदर एक आंतरिक कॉन्शियसनेस और बदलाव लेके आना चाहती है, रिडीम करना किसी चीज को। जैसे नारायण गुरु का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो यहां पर फिट भी होता है कि उन्होंने सोशल प्रैक्टिसेस में चेंज लेके आया। जैसे आपके ये हैं, फिर उन्होंने ये बोला कि एक कास्ट होनी चाहिए, तो कास्ट ही होना चाहिए, नो कास्ट कर दो ना। वाह क्या बात है, उसी नो कास्ट को एक कास्ट कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि रेबेलियन का मतलब यही है कि भाई जब तक दरवाजा तोड़ा ना जाए
तो रेबेलियन नहीं होगा, दरवाजा खोला भी जा सकता है। एक कास्ट का मतलब वो ये नहीं कह रहे सबको मधुकर बना दो या सबको यादव बना दो। कास्ट के बारे में बात ही क्यों करनी है? हाँ वाह, कास्ट सुनते ही लेकिन जो ये तपतबा और जो एकदम मतलब आग का बबूला उठे वो भी नहीं होना चाहिए ना। कास्ट शब्द में प्रॉब्लम नहीं है, कास्ट शब्द के प्रयोग में प्रॉब्लम है, किस प्रकार से कास्ट का प्रयोग किया जाता है प्रॉब्लम उस बात में है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कास्ट इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कास्टिज्म के जो इल इफेक्ट्स हैं उनकी बात करने की बात कीजिए। नो कास्ट तो इल्यूजन है, नो कास्ट तो कभी होगा ही नहीं। आप तो वो कह रहे हो कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, ये सिर्फ बोला जा सकता है, होगा कभी नहीं। धरती पर बिल्कुल भी गरीबी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी सरस्वती जी। सर गरीबी तो खैर कभी कम नहीं होगी पर... कम होगी, गलत कहा आपने, कम होगी, मैंने कहा खत्म नहीं होगी। हाँ कभी खत्म नहीं होगी, पर जो कास्ट है अगर कास्ट की वो वैल्यू ही नहीं देंगे तो फिर वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। बात सही, लेकिन आप किस चीज को वैल्यू दोगे वो कास्ट बन जाएगा। मराठा के समय में जो मराठा रूल था उस टाइम पर पेशवा बनना चाहते थे सब, मराठा सरदार नहीं बनना चाहते थे, मतलब मराठा किंग नहीं बनना है पेशवा बनना है, क्योंकि सारी पावर पेशवा के पास है। ऐसी कास्ट को वैल्यू नहीं दोगे तो आप जिस चीज को वैल्यू दे रहे हो अगर उसमें ग्रुप बन जाएंगे तो लोग वो बनना चाहेंगे। जैसे जैसे ही हम शब्द प्रयोग करते हैं कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर तो हमारे माइंड में आता है बहुत पैसे गिर रहे हैं। क्या वाकई सारे इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर बहुत कमा रहे हैं? जैसे दुकानदार, सरस्वती जी अब दुकानदार हैं तो दुकानदार का मतलब है सभी रिलायंस हो गए क्या? तो ये ऐसे सोचिए ना आप जो है वैल्यू विभेद मत कीजिए सरस्वती जी, कि जहां आपका दुख है वहां तो आपने बंदूक चला दी और जहां दुख नहीं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो है ही नहीं, ऐसा मत करिए। ये तो फिर एक एवरेज बिलो एवरेज अनमाइंडफुल अप्रोच हो जाएगी। क्यों कोमल जी? हाँ बिल्कुल, कोमल जी ने गर्दन हिलाई, समझ कुछ आया हो ना आया हो कोई दिक्कत नहीं, जय हो भारत सरकार। कोमल जी बताइए, कोमल जी आज आप लेट भी ज्वाइन किया, आपने लेट उठे थे सोकर? नहीं सर। तो फिर लेट क्यों ज्वाइन किया? सर कुछ काम था इसलिए। जैसे? सर कुछ काम। जैसे? क्या? मैंने पूछा कैसे, क्या काम? सर मैं कोई कुछ काम था। ओह माय गॉड, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, मतलब वाह, मतलब काम था, कितना कॉन्फिडेंटली आप पुट अप कर रहे हो, लाइक नॉवल्स इन मुगल कोर्ट। नॉवल्स इन मुगल कोर्ट मतलब नॉवल्स इन मुगल कोर्ट नोबल्स, अच्छा नोबल्स, कि हर कोई नोबल बनना चाहता था, नहीं हर कोई नोबल नहीं, जैसे हाँ 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 एक और एग्जांपल भी है मुझे बताने के लिए, कि एक और एग्जांपल ये आएगा कि आज की डेट में हम सिविल सर्विसेज में सब जाना चाहते हैं, क्यों सरस्वती जी? एग्रीड? क्यों कोमल जी? हम जाना चाहते हैं ना सब, लेकिन पॉइंट ये कि कैसे जाना चाहते हैं, क्या है उसके पीछे। जैसे ही कोमल जी और सरस्वती जी सब लोग, ब्रिज बाला जी तो खैर रोज ही इस बात के अनुभव कर रही होंगी, वो तो खैर ब्रिज बाला जी आज रेस्ट पे हैं तो हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, रोज वो वर्क पे होती हैं इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते बेसिकली। रोज ये सोच के मन रोकता हूं मैं कि आज तो काम पे है भाई, लेकिन आज उन्होंने जो है खुले में ऐलान किया कि मैं रेस्ट पे हूं, तो रेस्ट पे बोलने के बाद तो आप कुछ नहीं कह सकते, तो दोनों ही जगह हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो ब्यूरोक्रेसी जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो भारत का 50% तबका वो भी है जो तैयारी नहीं करना चाहता, ब्लैक मनी, करप्शन,
सरकारी शब्द सुनते ही आदमी को आलस आता है, सरकारी उफ, ये फॉर्म भर के जमा कराना है उफ, ये करने जाना है उफ, यू नो दिस इज द एटीट्यूड। क्यों ब्रिज वाला जी? और पुलिस स्टेशन जाना है भाई, 500 रुपए आपको इसी बात के दे देगा कोई कि तुझे पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, पुलिस स्टेशन जाना ही ना पड़े इसके 500 रुपए आपको मिल सकते। ब्रिजवाला जी मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज अपना व्यू दीजिए। ब्रिजवाला जी नो सर, अच्छा मैंने गलत कहा? ब्रिज नहीं, नो सर नहीं, अच्छा ओके। इसे भी कहते हैं इंटरप्रिटेशन, यू आर राइट, ओ माय गॉड। और कोमल जी ने इसी के साथ अपनी स्माइल दी, उन्हें लगा कि कुछ हो रहा है। और सर कहते हैं ना जब पुलिस वाले होते हैं, पुलिस आ गई, पुलिस को पास। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, पुलिस आ गई भागो। हाँ सर, गांव तो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, अब तो बहुत कम हो गया सर, वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते इसलिए ऐसा होता है। ओ माय गॉड, सरस्वती ने फिर से रेडिकल, हमारे सबसे रेडिकल एलिमेंट सरस्वती जी हैं। किसी चीज की कमियां निकालनी हो, किसी चीज की वो, तो सरस्वती सबसे बेस्ट तरीके से बताती है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो तुम्हारा कहना सरस्वती वो अच्छे से काम नहीं करते? सर मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि मतलब ये अच्छे से ट्रीट नहीं करते किसी के आगे, किसी से मतलब पोलाइट नहीं बोलते, मतलब कहीं कहीं बोलते हैं बट ऐसे मतलब अपना रोब ज्यादा जमाते हैं। रोब, उसी रॉब के लिए आप उनके ऊपर बन जाओ ना बड़े, तो इसको कहते हैं इनसेंसिटिव, कि दे बिकम इनसेंसिटिव विद टाइम, क्योंकि उनके ऊपर भी उतना ही प्रेशर होता है सरस्वती जी। 24 घंटे उस माहौल में आप रहोगे ना? यस सर, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है इसलिए वो एफआईआर भी नहीं लिखते, कि अगर जितनी ज्यादा एफआईआर होंगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ओके थैंक यू। ओ माय गॉड, आया जवाब आया। ब्रिजवाला जी का कहना है जनता कभी भी प्यार से नहीं सुनती है, बैड एलिमेंट हर जगह है लेकिन जनता कभी प्यार से नहीं सुनती है, तो इसलिए कोमल कोमल की बात को और सरस्वती जी की बात को दोनों को हमारी पुलिस ने नकार दिया है। हाँ सर सही कह रहे हैं वैसे। हाँ वैसे सही कह रही है, कोमल ने सोचा मैं ही ना सुनती, मैं ही सर की बात ना सुनती तो जनता कहां से सुनेगी पुलिस की, है क्यों कोमल? सर आप ये देख लो ना, मास्क लगाने के लिए कह रहे थे और जब फाइन लगाना स्टार्ट करा तो फिर सब लगाने लग गए। नहीं ठीक है, गुड पॉइंट्स। I agree with you. नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ जो आप लोग बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोला आप लोगों ने, ठीक है अच्छा लगा। थोड़ा बहुत विचार विमर्श होते रहना चाहिए, उससे एक सामाजिक चलता रहता है। इसी बीच में किरण जी ने पीछे के पॉइंट्स भी कुछ कवर कर लिए होंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई एक हो गया रिडेम्पशन मूवमेंट, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल श्री नारायण गुरु का एग्जाम्पल ले लो, या आपका सनातन धर्म वाला कुछ ले लो, कोई भी ले लो, वो सारे रिडम्पशन है। कोई कहता है भाई हिंदू धर्म में लौट आओ, कोई कहता है सिखिज्म को प्योर करो, ये सारी रिडम्पटिव मूवमेंट है, ठीक है ना? नहीं नहीं सो पुलिस इज बैड नहीं है यार ब्रिजवाला, तुम लिख लिख के मतलब ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें बोलना पड़ेगा अपने विचारों को रखने के लिए। पुलिस इज बैड नहीं, मतलब आपकी अंग्रेजी से मुझे समझ नहीं आया ठीक से, तो इसलिए बाद में देखते हैं इसको। मैं तो चाहता हूं तुम लोग थोड़ा और करके करो, लेकिन ठीक है एक आध साल में कर लोगे। बहुत साल पहले एक गाना होता था, मतलब बहुत सारे गाने, पहले ब्लू लाइन बस चलती थी दिल्ली में, प्राइवेट सेक्टर की बसेस होती थी और वो उनको ब्लू लाइन किलर्स कहते थे, अगर आप गूगल करोगे तो ब्लू लाइन किलर्स मिलेंगे आपको। असली सामाजिक द्वंद उस समय था, अब तो मेट्रो आ गई है, लो फ्लोर बसेस हो गई है दिल्ली में, तो अब असली लड़ाई भारत में है,
दिल्ली में तो वो लड़ाई नहीं है, दिल्ली में कचड़े की लड़ाई है, दिल्ली में लैंड फिलिंग की लड़ाई है, दिल्ली में सैनिटेशन की लड़ाई है, दिल्ली में वाटर सप्लाई की लड़ाई है, दिल्ली में पोल्यूशन की बहुत बड़ी लड़ाई है। लेकिन भारत के सारे उत्तर जो है वो भारत के नहीं है, मतलब सॉरी दिल्ली के नहीं है, उत्तर भारत के हिसाब से होने चाहिए, उसमें समय लगता है। एनीवेज तो रिडेम्पशन मूवमेंट मैंने जैसा आपको बताया एक हो गया एग्जांपल ये, फिर एक लगा लीजिए रिफॉर्मिस्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट जैसे आप रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, देयर विल बी एफर्ट्स फॉर ए ग्रेजुअल चेंज, आप लिख सकते हैं देयर विल बी एफर्ट्स फॉर ए ग्रेजुअल चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। रिपीट कर दो एक बार। हाँ दो बार रिपीट कर देंगे, रिपीट में क्या है, रिफॉर्म इज सोशल मूवमेंट्स बिलीव इन ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी, दे बिलीव इन ग्रेजुअल चेंज इन एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थ्रू इंक्रीमेंटल स्टेप्स, थ्रू इंक्रीमेंटल स्टेप्स, हाँ जी थ्रू इंक्रीमेंटल स्टेप्स यानी स्टेप बाय स्टेप, नर्सरी क्लास, केजी क्लास, फर्स्ट क्लास, ये क्या इंक्रीमेंटल है, थ्रू इंक्रीमेंटल स्टेप्स। एक एग्जांपल क्या है ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट का, आर्य समाज हो गया, आर्य समाज से भी अच्छा एग्जांपल है ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है भक्ति मूवमेंट भी इसी प्रकार का एक एग्जांपल। फिर एक लगा लो आप रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट एक और टाइप है, रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट, रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल रिलेशंस, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल रिलेशंस ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर, ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर, ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर। तो ऐसा कहां आएगा, क्या एग्जांपल देंगे आप ब्रिजवाला जी, आंचल जी बताओ, आंचल आंचल एक एग्जांपल दो रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट ने जहां पर पावर कैप्चर की, और आंचल जी वीडियो भी ऑन कर लीजिए, अब तो कोमल को भी आवाज आ रही है, दिखाई भी दे रहा है, सब ठीक है प्रभु की कृपा से। पाकिस्तान पार्लियामेंट आज तो भाई फॉर्म में है ब्रिजवाला, गजब, पाकिस्तान पार्लियामेंट, नहीं 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 हो सकता ये एग्जांपल। आंचल बोलो एक एग्जांपल जहां पे रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट से पावर कैप्चर की गई हो, म्यांमार, इम्पॉसिबल किरण जी, ब्लंडर कहते हैं इसको, पाकिस्तान मतलब मैं तुम लोगों से अगर असली क्या बोलूं, वही मुझे तो तुम लोगों से पढ़ाई करके पता क्या जाता है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, इतना धीरे इतना धीरे इतना प्रेम से चलना पड़ता है, ऐसे लगता है मैं मेडिटेशन कर रहा हूं वरना गुस्सा आता है मुझे, इसलिए ये मैं बोल के अपने आप को शांत कर देता हूं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हो जाएगा कोमल, पावर कैप्चर कहां की थी, सोशल मूवमेंट एक जिससे पावर कैप्चर की, अब यहीं रुक जाने का मन करता है मेरा कि यहीं अटके रहे चाहे अगले 5 घंटे डिबेट हो जाए, क्योंकि आपका कोई रास्ता नहीं निकल सकता ऐसे, हमने तो बस कलियां मांगी कांटों का हार मिला, टिंग टिंग, ये मेरे से भी पहले के गाने हैं बहुत, तुम सोचते होंगे ये क्या बुड्ढों वाले 1950s के गाने, मैं भी भैया आप ही की जनरेशन से हैं, लेकिन अब क्या करें आज वाले गाने नहीं गा सकते, गाने नहीं है वो,
उन्हें खाना खा के और रेस्टलेस हो जाता है आदमी, और प्रेशर बढ़ जाता है आजकल के गाने से और पड़ जाए। जे फ्रांस इलेक्शन, अरे कैसे माता जी, मुझे एक एग्जांपल बताओ सोशल रिफॉर्म, सोशल रिवॉल्यूशन जिससे पावर कैप्चर हुई हो वर्ल्ड में, एक ही सबसे अच्छा एग्जांपल है और मेरी समझ नहीं आ रहा अब तक क्यों नहीं दिया। सर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सोशल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, आज भी ना हुआ है, आज भी होता तो कास्ट और ये सारे जो भगत सिंह कर रहा था वो तो, भगत सिंह कुछ ना कर सके, सोशियोलॉजी मैं अभी सोशियोलॉजिस्ट हूं तो भगत सिंह ने कुछ नहीं किया, बस अभी अभी ये समझ लो। कैपिटलिज्म क्या बोले जा रही है आंचल, क्या हो गया भाई, ब्रेक लो ब्रेक, मैकडोनल्ड जाओ, कोक पियो, या शाम को जाओ पार्टी करो, कुछ ज्यादा पढ़ लिया क्या, या कुछ पढ़ा ही नहीं है। सोशल रिवॉल्यूशन के द्वारा स्टेट पावर कैप्चर करने के वर्ल्ड में दो ही एग्जांपल हैं, तीन हैं, उससे ज्यादा एग्जांपल बड़े अच्छे वाले है ही नहीं। लेकिन कमाल की बात क्या है, एक सेकंड में क्यों नहीं आया, मैं ले जा रहा हूं पहाड़ पे कि सारी जंगल दिखाऊंगा, तुम्हें घर के पेड़ ही नहीं पता है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। कितना गहराई है इस गाने में, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, कोई नहीं चलता। आंचल तो ऐसे बैठ गई जैसे कि बस स्टॉक मार्केट शेयर क्रैश हो गया है। सरस्वती आप भी बोल दीजिए एक आध जवाब ताकि सब पूरा हो जाए मामला। ब्रिज बाला जी, USSR disintegration, I want to clap for Brij Balaji, finally उन्होंने उत्तर दिया, आप सब लोग भी प्लीज क्लैप कीजिए। रशियन जो पावर कैप्चर की थी रशियन रिवॉल्यूशन ने, वो एग्जाम्पल है इसका, गलत है अभी भी ब्रिज बालाजी का, लेकिन एक पुलिस मैन होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत और मेहनत करके पुलिस को भी उन्होंने बचाया, पुलिस की भी उन्होंने बुराई की, और उन्होंने सही उत्तर की तरफ इशारा किया। कमाल की बात यह, आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में ये क्यों नहीं आया। जब ये समझ में आ जाए ना तो बता देना मुझे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी पढ़ लो कितना ही पढ़ लो। मेरा बस चले तो कोमल से मिलूं, मामी जी के हाथ से खाना खाएं, आराम से सोएं, उठें अच्छा सा खाना खाएं, फिर कितना अच्छा लगता है ऐसा सोच के। ऐसा हो नहीं सकता लेकिन सोच तो सकते, क्यों नहीं आया। सोशल रिवॉल्यूशन हुई थी, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या है, सोशल रिवॉल्यूशन है, और उसके बाद स्टेट पावर कैप्चर हुई, और आप लोग क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन और पता नहीं क्या क्या, म्यांमार तो मतलब ब्लंडर, पाकिस्तान पार्लियामेंट भी ब्लंडर, मतलब ब्लंडर यार, आई कांट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू पीपल। मैंने माना 90% लोग आपके जैसे ही हैं, लेकिन मैं आपको क्यों मानूं। वेरी सैड आचल जी, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। और देखो सरस्वती सबसे शानी है वैसे नंबर वन बोलने में, लेकिन वैसे बोला ही नहीं आज उसने, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ सरस्वती आंसर दे दे, आंसर दे दे, आंसर दे दे, दिया ही नहीं। तो यूएसएसआर में जो पावर कैप्चर हुई थी, चलो एक मौका और दे रहा हूँ रिडम्पशन का, रिडम्पशन सोशल रिवॉल्यूशन का एक और मौका देता हूं कि यूएसएसआर के अलावा एक एग्जांपल और बता दो वर्ल्ड में जहां पर ऐसे ही पावर कैप्चर हुई हो। मुझे मतलब कुछ पढ़ाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ बात भी कर लूं तो तुम्हारा भला हो जाए, ज्यादा शायद, शायद ज्यादा बोलो। यूएसएसआर तो चलो ठीक है, एक एग्जांपल हो गया, ऐसा ही कोई और एग्जांपल बताओ पूरे वर्ल्ड में जहां पर एक रिवॉल्यूशन के थ्रू पावर कैप्चर हुई हो। एक मौका और, रेडी। वाह सरस्वती ने इस बार जवाब दिया बहुत ही बेहतरीन, प्लीज क्लैप फॉर सरस्वती जी। अपने दुख में हम इतने गमगीन हैं, हम ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं, हाथ भी नहीं खुल रहे हैं ठीक से ताली। एक और एग्जांपल दे दो चलो, चाइना और रशिया के अलावा। कोमल ने कोशिश की, कोमल की उंगलियां आ रही हैं, आ गई है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज नॉट अ सोशल रिवॉल्यूशन। साउथ अफ्रीका, Yes, we can agree with that also. हाँ, साउथ अफ्रीका बिल्कुल, वो एक तरीके से
जर्मन, अब तो सारी चीजें ले, जर्मनी फॉलो बर्लिन वॉल, नहीं 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 इसकी जगह तुम कह सकते हो क्यूबा। और तुम लोगों ने अब तक एक एग्जांपल नहीं दिया, एक मौका और दो रहा हूं, अंतिम मौका, उस कंट्री का नाम भी ले दो जिस कंट्री में सोशल रिवॉल्यूशन से लोगों से सरकार बनी। बोल दो किरण जी, एक मौका है, बजर दबा दीजिए, फोन मिलने का कोई फायदा नहीं। मैं खुश हुआ था कि आपका फोन मिल गया है, लेकिन अब मुझे कोई खुशी नहीं है। क्या कर रहा है ऐसे फोन का, बताओ बताओ। यूरोप। यूरोप, यूरोप क्या होता है? हाँ जल्दी बोलो यार। पाकिस्तान फॉर्मेशन, पाकिस्तान फॉर्मेशन। हाँ पाकिस्तान के एंगल से तो थोड़ा सा मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है हल्का सा, पर सोशल मूवमेंट थी वो, पाकिस्तानियों की नजर में सोशल मूवमेंट थी वो, कम्युनलिज्म को सोशल मूवमेंट बना दें। उसके अलावा पाकिस्तान से हम कितना ऑब्सेस्ड है ना, एक ऐसी कंट्री जो हमारे, जो पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के बिना नहीं है। पाकिस्तान अगर इंडिया के बारे में बात करना बंद कर दे तो उनके पास कुछ करने को नहीं है। बोलो एक एक एग्जांपल और, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। ओ वाओ, गुड एफर्ट्स, वो भी सोशल मूवमेंट थी। हाँ बहुत बढ़िया, रिडीम किया आपने आपको काफी देर के बाद, लेकिन एक एग्जांपल अभी भी रह गया है, एक एग्जांपल बहुत बड़ा वाला अभी भी रह गया है। अब आंचल के पास भी एक मौका है कि कहां ऐसा है जहां लोगों की जागृति से पीपल्स पीपल्स पार्टिसिपेशन लेड टू कमिंग ऑफ ए पावर। यूक्रेन ने, यूक्रेन तो अब चल रहा है, कुछ होगा तो क्या होता है। आंचल बताओ, बड़ा आंसर आपके आसपास ही है, जहां पे लोगों ने, लोगों की सरकार है, लोगों का नाम लिया जाता है, इवन आर्मी में भी कहा जाता है ये लोगों की आर्मी, इवन नाम से पहले भी उसकी यही कहा जाता है पीपल। ना भाई ना, तो हुआ था ना, बता दूं मुझे क्या मिलेगा, बताऊंगा तो ये बताओ तुम मुझे क्या दोगे? तालियां। अच्छा जी, बहुत चाड़ी है यार सर आजाद का रेस्ट। वाह कितना सोचा मेरे बारे में सरस्वती जी, थैंक यू वेरी मच। ब्रिजवाला ने सही उत्तर दिया, अगेन ऑन द राइट ट्रैक, चाइना। चाइना इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल रिवोल्यूशन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी, पीपल। चाइना तो बोल दिया था सर पहले किसी ने, किसने बोला? चाइना ने बोला, देखो यूक्रेन बोला सर चाइना, तब आपने ये भी बोला कि चाइना भी हो सकता है। नहीं मैंने नहीं बोला अब तक, चाइना किसी ने नहीं बोला, बोला था सर। अरे बुलवाओ ना, किसने बोला था? सर मैंने बोला था और आपने जोर से तालियां भी बजाई थी तो पहले वाली बात पे हुआ होगा, लेकिन चाइना नहीं, चाइना नहीं, आपने कुछ और बोला होगा ना। अच्छा लिखा नहीं है आपने, एक्चुअली आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट इज रिटर्न। यूएसएसआर के बाद सर चाइना बोला था सरस्वती ने, बोला था सरस्वती ने चाइना सर, मैंने उसके लिए क्लैपिंग भी करी। ओके आई एम सो सॉरी, चाइना एग्जाम्पल है, बहुत प्रोमिनेंट। चलो चाइना के अलावा भी मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल दे दो, एक और कंट्री भी है, ऐसी बात क्या है, एक और कंट्री, फाइनल एक और कंट्री। चाइना के आसपास ही है, नेपाल? नहीं नेपाल नहीं है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो होगा ही नहीं ऐसा, यही तो बात है, तभी तो वो ऐसा बोलते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं बता देता हूं, नॉर्थ कोरिया, वहां पे भी कम्युनिस्ट रिजीम है, वो भी यही क्लेम करते हैं कि इट इज पीपल्स। तो कम्युनिज्म सोसाइटल जो होगा ना जितना भी, वो इस तरह की बात करता है। बांग्लादेश का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस जिस प्रकार से हुई, जिस प्रकार से लैंग्वेज को लेके शुरू से उन्होंने मेहनत की, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है।
चाइना का हुआ, अब आपको समझ आया कि कैसे सोचा जाता है। पर बड़ा अफसोस है कि आप लोग टाइम लगाते हो यार बहुत, पर ठीक है गुड, आप सब लोगों ने इतने सारे उत्तर दिए, वरना तो बहुत बोरिंग हो जाता है और मुझे पता नहीं चलता। इंडिया क्यों नहीं हो सकता? सोशल मूवमेंट नहीं है ना इंडिया में, पॉलिटिकल मूवमेंट है। हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली, अंबेडकर जी ने कहा सामाजिक आजादी जब मिलेगी जब सब बराबर हो जाएगा। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस सामाजिक इंडिपेंडेंस की तरफ स्टेप है। सबको समान वोट का अधिकार है, तो उस वोट का सही प्रयोग करो और सामाजिक समानता लेके आओ। इसीलिए अंबेडकर साहब ये भी थे कि सामाजिक इक्वलिटी यानी सोशल इक्वलिटी लाना बहुत मुश्किल काम है, सोशल इक्वलिटी लेके आना बड़ा ही यू नो डिफिकल्ट टास्क है। दैट इज आल्सो द पॉइंट। ओके, बट ऑल ऑफ यू हैव टू बी वेरी चीयरफुल एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर होल डेज वर्क, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। बट गुड एफर्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, थैंक यू। देखा, चलिए तो इंक्रीमेंटल हो गया, रिफॉर्मिस्ट भी हो गया, एक रेडिकल की हमने बात की थी, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे रशियन रिवोल्यूशन था, चाइना है, कोई भी कम्युनिस्ट का जो रूल होगा वो ऐसे ही होगा। वो नॉर्थ कोरिया भी ये एग्जाम्पल है, क्यूबा, वन एग्जाम्पल इज क्यूबा, क्यूबन रिवोल्यूशन पढ़ना जरा, यही एग्जाम्पल है पांच सात दुनिया में। अच्छा, इंडिया में एक मूवमेंट का नाम बताओ, इंडिया में एक मूवमेंट का नाम बताओ जो ऐसे ही रेडिकल कुछ करना चाहती है, खासकर लैंड एग्रीकल्चर, ये बता के अपने सारे कष्टों को हर लो। और सबको वो मूवमेंट का नाम पता है इंडिया में, पहले कौन बताएगा, मैं ये देखना चाहता हूं। इतना सोचने का इसमें भी नहीं है यार, डेली पढ़ते हो डेली, जिसने वो शब्द नहीं सुना होगा मैं गारंटी देता हूं कि सुना होगा, गारंटी, 1,00,000 रुपए का इनाम रखने को तैयार हूं। फार्मर मूवमेंट नहीं होता कुछ भी, नाम है उसका ग्रीन रेवोल्यूशन। यार ग्रीन रेवोल्यूशन रेडिकल क्या है उसमें, वो तो हम चाहते ही है, तो पॉजिटिव है, बढ़िया है। ग्रीन रेवोल्यूशन में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक ऐसी मूवमेंट का नाम बताइए भारत में जो डेली चल रही है और तंग करती है, सरकार भी उसको खत्म करना चाहती है, लेकिन वो रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है मूवमेंट, बहुत सारे लोग भी उसके चक्कर में अंदर हो जाते हैं। अब तो बता दो किरण जी, अब तो बता दो, पीडीएस सिस्टम कहां जा रहा है दिमाग यार? नहीं, सिस्टम लिख रही हो खुद ही और कह रही हो मूवमेंट, इसे कहते हैं प्रेशर। बोलो, गिनती है 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। अब तो बोल दो टाइम ओवर हो गया है? कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ बताना चाहता हूं कि तुम 5-6 लोग नहीं, जब मैं 500 में भी एक ऐसे क्वेश्चंस पूछता था या पूछता हूं तो सिर्फ मुझे 2 या 3 सही आंसर मिलते हैं 500 में से भी। तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम 490 का पार्ट हो, तो तुम अलग नहीं हो। शांति रखो कि हम भी दुनिया जैसे ही हैं, कोई बात नहीं। नक्सलाइट मूवमेंट, किस में से आप में से नक्सल मूवमेंट का नाम नहीं सुना, हाथ खड़ा करो। है कोई? हे भाई, कोई है क्या, कोई है क्या, बताओ। नहीं सुना तुमने? कोमल, तुमने नाम नहीं सुना है?
सुना है सर, आपने कहा था ना कि कोई है नहीं कहते, इसलिए मना। तुम लोगों को ये नक्सल मूवमेंट भी नहीं बता रहे यार तुम, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो ये हो गई कुछ, मैंने जो आपको बताया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो गई, जैसे अब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में एग्जांपल हो जाएगा नक्सल मूवमेंट का, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है ना, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी है कि नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट बात करती है, हैं? आप लोगों ने शब्द नहीं सुना, हैं? फिर अर्बन नक्सल्स वर्ड आ गया, जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज को प्रमोट करते हैं वैसे वो हो गया अर्बन नक्सल्स। मतलब कहां जा रहे हैं हम, ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, लेकिन बाकी सबका भी यही हाल होगा आई एम श्योर, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आपको अपने आप को मोटिवेट करना है चेंज करने के लिए, और सांत्वना में ये दे रहा हूं कि आप जैसे ही हैं बहुत सारे लोग, इसलिए घबराओ मत, तुमसे आगे बहुत कम लोग हैं, लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, जो भी तुमसे आगे है ना, सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, दैट इज द आयरनी, यू नो, विडंबना है ये। क्यों कोमल, पर मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग कोशिश करके और मुझे सपोर्ट करोगे। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, एक और क्लासिफिकेशन बता देता हूं मैं आपको, हॉर्टन एंड हार्ट, हॉर्टन एंड हंट, हॉर्टन एंड हंट। चेयरफुल तो हो जाओ सब लोग यार, स्माइल तो दे दो एक बार, मतलब क्लास में भी नहीं होगे, ऑनलाइन में भी खुश नहीं होगे तो कैसे चलेगा। चलिए आज नहीं, लेकिन अब मैं आप लोगों से सरप्राइज कुछ ना कुछ बीच में पूछना शुरू करूंगा, पढ़ाई का नहीं, पढ़ाई के अलावा हर रोज। जैसे कोमल, अभी पूछ लेता हूं, कोमल एक चुटकुला सुनाओ जल्दी से, 2 सेकंड के अंदर, जल्दी से। अरे इंटरव्यू में भी होता है भाई ऐसा, वहां भी ऐसे ही करोगे, वहां पे सुना दूंगी मैं। नहीं यहाँ भी सुना दो फिर, ये तो डिसोबीडियंस है, ये डिसोबीडियंस है ये। मैं सुना दूं। तुमसे चुटकुला नहीं सुनाने को बोला गया है, जब बोला जाएगा तब करना। और एक बात और गारंटी से बोल देता हूं, जो तुम यहां नहीं कर सकते मेरे सामने लिख के रख लो, पूरी जिंदगी में कहीं और करके दिखा देना, ऐसा इस जन्म में नहीं होगा, इस जन्म में भूल जाओ, इस जन्म में भूल जाओ। अगर मैं बोल रहा हूं करो और तुम कह रहे हो नहीं हम कर तो कुछ भी सकते पर अभी नहीं करना है, तो इस जन्म में नहीं होगा। तो मेरी बेस्ट विशेज है। तो हार्टन एंड हंट है, उन्होंने दे हैव क्लासिफाइड सोशल मूवमेंट इंटू 6 टाइप्स, दे हैव क्लासिफाइड सोशल मूवमेंट इंटू 6 टाइप्स, जैसे
सर आपने इससे पहले रिडिकल बोला था, वो फोर्थ था क्या? क्या कहा था मैंने इससे पहले? जो रिडिकल मोमेंट बताया था वो फोर्थ था। हाँ आप अपने आप उसको एक डिवीजन में कर लो, मैं तो अलग अलग बताया जा रहा हूँ। रेडिकल एक शब्द है जो सबके लिए प्रयोग में आता है। मैंने जो रेडिकल शब्द बोला था वो एक मूवमेंट का टाइप ही है, तो आप उसको अलग एक मान लो, एक लाइन छोड़ के कि हाँ एक रेडिकल होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, ऐसे देख लो। मैंने बोला छह टाइप बोली उन्होंने, जैसे उसमें एक क्या बोला उन्होंने, एक ऐसी मूवमेंट होती है सोशल मूवमेंट, जैसे माइग्रेटरी, माइग्रेटरी सोशल मूवमेंट। ठीक है जी। दूसरा एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर सोशल मूवमेंट का कुछ अलग ही टाइप से रिफॉर्मेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सिर्फ टाइप बता रहे हैं, एग्जाम में आता है तो एक एक टाइप को पकड़ा, एक एक लाइन दो दो लाइन बताया और आगे बढ़ गए। रिफॉर्म सोशल मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट, रिएक्शनरी सोशल मूवमेंट, और एक और टाइप होना चाहिए यूटोपियन सोशल मूवमेंट। यूटोपियन सोशल मूवमेंट ठीक है जी। तो छह टाइप की मूवमेंट मैंने आपको बता दी, रिवोल्यूशनरी, यूटोपियन, रेडिकल, जो एलिमेंट्स वो हमने पहले बता दिए। तो अलग अलग टाइप की मूवमेंट हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं। अब यूटोपियन का एग्जांपल बताओ। चलो यूटोपियन, यूटोपियन का मतलब किसी को नहीं पता तो पूछ लो। यूटोपियन मतलब बताओ। यूटोपियन का मतलब होता है जैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ स्वर्ग जैसा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, सब तरफ सुख शांति होगी। क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द और क्या है इसके लिए किरण जी? इमेजिनरी होता है शायद। इमेजिनरी तो अंग्रेजी है, सर्वोदय मूवमेंट। सर्वोदय मूवमेंट हाँ वो भी ठीक है ब्रिज बाला जी, लेकिन सर्वोदय मूवमेंट तो फिर भी यूटोपियन नहीं है। हाँ है यूटोपियन, लेकिन और वर्ड बताओ जिससे पक्का पता लग जाए कि भाई ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन बोला जाता है ऐसा। बोलो कोमल। जैसे सर अब आप कास्ट के लिए कह रहे थे। नहीं हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नाम बताना है यार, शब्द बताना है, शब्द बोलो। किरण, अरे यार सबको नाम पता है वो भी दिन रात। आंचल, आंचल, ओ माय गॉड, आंचल तो अपने गहरे विचारों में है। क्या है वो शब्द जिससे हम बाकी सारी मूवमेंट को बोल के बोलेंगे कि हाँ ये यूटोपियन मूवमेंट है, यूटोपियन आइडिया है ये, यूटोपियन आइडिया। ब्रिज बाला ने कोशिश की। सरस्वती तुम बताओ यार, हद करते हो तुम, वोकैबुलरी के नाम पे, थिंकिंग के नाम पे। यस सर, अब कहते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे। हाँ ये एक यूटोपियन हो गया, वेरी गुड, वाह कोमल, कोशिश तो की। और कोई शब्द आंचल, और कोई शब्द बताओ यूटोपियन। किरण यार कमाल कर दिया यार आप लोगों ने, शब्द नहीं आ रहा।
मतलब आज करप्शन फ्री इंडिया, अनकॉन्शियस, दोनों शब्दों से कुछ बात बनती नहीं है यार। करप्शन फ्री इंडिया आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, यूटोपियन आइडिया है ये, नंबर कट जाएंगे। आप अपने कॉलेज में बोल के देखो ना, लोग पीछे पड़ जाएंगे आपके कि आप करप्शन प्रमोट करते हो इसलिए बोल रहे हो ऐसा। ये यूटोपियन नहीं है, करप्शन फ्री इंडिया हो सकता है। अरे एक शब्द पूछ रहा हूं, राम राज्य, हम कहते हैं राम राज्य आएगा, ये तो यूटोपियन आइडिया है नहीं है? राम राज्य आएगा, ये यूटोपियन है, ये इसको यूटोपियन कहा जाता है। क्लासलेस सोसाइटी होगी, क्लासलेस सोसाइटी यूटोपियन आइडिया है। जीरो पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन यूटोपियन नहीं है सरस्वती, वो तो लाना पड़ेगा, वो आपके हाथ में है सर, बट ऐसा हो नहीं सकता ना। हो सकता है ऐसा, मैं गया हूँ एक ऐसी जगह जहां पे AQI जीरो, जहां पर AQI जीरो है, सर AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। मुझे AI सुना था इसलिए मुझे, क्या कह रहे हैं सर? मुझे लगा आप AI बोल रहे हो सर। AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स। समझे? हाँ यस सर। जैसे भारत में ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जहां पर बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, जीरो पोल्यूशन है। गूगल करो, शिमला में होगा, मनाली में होगा, लेकिन साउथ इंडिया में ऊटी, कुर्ग, बाबा बुडन हिल्स पर आप लोग सब खुश रहिए यार। आप लोगों के चेहरे आज तो नींद ही उड़ा दी लगता है मुझे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के क्लासिफिकेशन में। रोज गाड़ी चल रही थी आराम आराम से, आज ऐसे प्रश्न आए कि बिना बात के मूवमेंट हो गया। रिएक्शनरी, रिएक्शनरी सोशल मूवमेंट का मतलब है कि वो मूवमेंट किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष या किसी सामाजिक स्वभाव और प्रभाव के कारण उसके रिएक्शन में चल गई, वो रिएक्शनरी मूवमेंट है। जरूरी नहीं है कि वो समाज का हित करे। हाँ, ये हो गया रिएक्शनरी मूवमेंट। ठीक है जी, अब हम जानते हैं कि आज की डेट में फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही है, गे मूवमेंट है, हैं एलजीबीटी है ना, उसके बाद जो है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट मूवमेंट है, क्लाइमेट के अगेंस्ट मूवमेंट है, वन लैंग्वेज फार्मूला। ब्रिजबाला जी, वन लैंग्वेज कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला ही क्या रहेगा जब एक ही लैंग्वेज है, टू लैंग्वेज फार्मूला है, मिनिमम टू होता है फार्मूले में, फार्मूला बनेगा ही कैसे जब एक ही चीज होगी है। वन फार्मूला नहीं है, वन प्लस वन फार्मूला है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप सब लोगों के मतलब आज तो, आज मंगलवार है या आज बुधवार है, वेडनेसडे, जय गणपति महाराज। सर पूछा करो ऐसे, हम थोड़े सारे काम मैं ही कर दूं, सारे काम मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, गलती होगी मुझसे। सर हम भी करेंगे। सर आप तो नाराज हो जाते हो। उत्तरे की भाई, मैं हूँ नाराज।
नाराज नहीं होता मैं, नाराज कब हुआ, उल्टी बात कर रही हो, आज तक कभी नाराज नहीं हुआ मैं है? हमें तो धर्म निभाना पड़ता है ना, पेपर की तरफ ले जाने का धर्म है वो बड़ा मुश्किल। यस सर। तो जी ये जितने मूवमेंट हैं तो ये भी क्लासिफिकेशन का टाइप है एक, गे मूवमेंट, एलजीबीटी, क्लाइमेट चेंज, फेमिनिस्ट, जितने नए नए मूवमेंट हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। आप वो दीजिए, हेडिंग दीजिए न्यू सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स। अब न्यू सोशल मूवमेंट क्या है, न्यू सोशल मूवमेंट है न्यू सोशल मूवमेंट क्या होगा, दे आर पिकिंग अप न्यू इश्यूज, न्यू इश्यूज, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू मेथड्स, न्यू सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, they include diversity of issues, jaise student movements, '60s feminist movements, 1970s gay rights movements, 1990s ओके, क्लाइमेट चेंज मूवमेंट आज की रेट में 21st सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज मूवमेंट, सेव द अर्थ मूवमेंट जैसे चलती हैं, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ यस सर। तो अब ये जो जितनी भी नई सोशल मूवमेंट हैं, देयर गोल इज नॉट टू कैप्चर पावर, their goal is not to capture power,
एंड दे आर बियॉन्ड, दे आर बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेमवर्क, they are beyond political parties framework, and they reflect such issues which are important for quality of life on earth. They are not directly related with any political ideology. Okay. They are not related with the changing distribution of power in society. ये हमने लिख दिया क्या? ये point हमने बोल दिया? नहीं ना, दे आर नॉट रिलेटेड विद चेंजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. दैट इज हाउ न्यू सोशल मूवमेंट्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सोशल मूवमेंट्स. As Habermas says, Habermas says in his New Social Movements 1981, in his work New Social Movements 1981, that NSM, kya NSM? Achal, what is NSM? Achal, what is NSM? अरे भाई उसको बोलने दो ना. नॉन न्यू. ओके, कल से हम 5 सेकंड का हास्य योग भी करेंगे. और उसकी इंचार्ज होगी कोमल. मैं तो करती रहती हूँ. हाँ, मैं तो करती रहती हूँ सर. और सर औरों का भी कराती रहती हूँ. जैसे
आप भी हंसते रहते हो सर और स्टूडेंट भी हंसते रहते हैं। वाह भाई वाह, ओहो, तो तुम कहना चाहती हो हम तुमसे हंस रहे हैं तुम हमसे हंस रही हो, ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन किससे हंस रहा है। सर सब एक दूसरे से ऐसे करते रहते। नहीं नहीं आप ही हो, हास्य योग की लीडर जो है, हास्य योग की लीडर जो है वो कोमल ही है। नहीं सर आप भी हंसाते रहते हो सर। अच्छा ओहो ओके, तो न्यू पॉलिटिक्स यू नो एनएसएम रिफ्लेक्ट्स न्यू पॉलिटिक्स विच इज रिलेटेड विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, whereas old social movements, old social movements and politics focused upon economic, political and military security. Sir, social movement and economic, political and military security. Theorists like Frank Parkin in his work Middle Class Radicalism argued that the key actors in these movements come from the new middle class rather than the lower classes. Thereby reflecting role of professionals, role of professional, artists, youths, students, professionals, artists, youths, students, and middle income groups. And they focus upon those ideals of society which can bring change in identity, lifestyle, and socio-cultural outlook of a group. That is why they work towards bringing a social change but not political power.
द न्यू सोशल मूवमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एन इनफॉर्मल इनफॉर्मल लूजली कनेक्टेड लूजली ऑर्गेनाइज्ड आई शुड से इनफॉर्मल लूजली ऑर्गेनाइज्ड सोशल नेटवर्क लूजली ऑर्गेनाइज्ड सोशल नेटवर्क ऑफ सपोर्टर्स loosely organized social network of supporters rather than members in an organized manner rather than members in an organized manner okay that is why Paul Burne described them as relatively disorganized polycephalous or multi-headed spelling बता देता हूं कि ना तो उनमें कोई आंतरिक जुड़ाव होगा ना उनका कोई एक दिशा होगी और वो जो है ठीक है ना जैसे आप ट्विटर को देख लो आप ट्विटर ले लिया एलन मस्क ने तो लोगों ने अभी से ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया भाई गलत हो रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी ये एक ग्रुप है पूरा ये लोग हैं ये न्यू सोशल मूवमेंट ही है एक तरीके से यूक्रेन का वॉर हुआ लोग अपने आप दो ग्रुपों में डिवाइड हो गए न्यू सोशल मूवमेंट अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स समझे अब रोल बदल रहा है धरती पर सारी चीजों का देयर मेथडोलॉजीज आर ऑल्सो डिफरेंट इंक्लूडिंग political lobbying symbolic direct actions you know एक एक कोई फ्रूट बांटेंगे एक एक रिबन दे देंगे एक एक कार्ड बनवाएंगे एक एक मटका भरवाएंगे धरने पे बैठ जाएंगे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे political lobbying festivals alternative festival celebrate करेंगे So they reflect direct action with a moral high ground and extensive use of mass media. They reflect direct action by citizens. Participative democracy, you know, grassroots level की participative democracy दिखा रहे हैं. But there cannot be any watertight compartmentalization. between
ओल्ड एंड द न्यू सोशल मूवमेंट्स. ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड वाली जो हम बात कर रहे थे अभी तक, ओल्ड और न्यू में कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन नहीं है कि वो होगा वो नहीं होगा, वो होगा वो नहीं होगा. बट द इश्यूज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी एड्रेस्ड प्रॉपरली. Must be addressed properly. And there is no harm in institutionalization. There is no harm in institutionalization, but vested interest must not be there. As reflected by Gail Omwit in the work Reinventing Revolution. In the paragraph, there is a crucial relationship between a social movement and leadership, which is a guiding light and a purposeful focus direction. It also keeps the movement and masses on track and it also reflects people's aspirations. Also reflect people's aspiration and their for their sustenance, because the movement can only sustain when the leader is visionary. And taking into account people's aspirations and goals.
इन द पैराग्राफ. सिमिलर इज द केस विद आइडियोलॉजी बिकॉज आइडियाज रिप्रेजेंट ideas represent the essence of a movement. And it is also providing बात समझे. बिकॉज वाइटलिटी ऑफ ए मूवमेंट एंड इट्स जस्टिफिकेशन वाइटलिटी ऑफ ए मूवमेंट एंड इट्स जस्टिफिकेशन इज लिंक विद सर ऑल्सो प्रोवाइडिंग के बाद हमने छोड़ दिया ना. Also providing, अच्छा उसके बाद नहीं बोला हमने. Also providing, लिख दो उसके बाद also providing broad framework of action and collective mobilization. Broad framework of action and collective mobilization in the social movement. फिर हमने क्या बोला अभी. ठीक है कोई बात नहीं. फिर हम मतलब ये बातें घूमी घूमी सी हैं पता है हमें लेकिन फिर भी हम चलो ठीक है. फिर हम कहना चाहते हैं आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट्स आइडियाज गोल्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड इवन द मेथड्स That is why MSA Rao MSA Rao says that ideology is the most crucial aspect of a social movement. The other two being collective mobilization and orientation for change. Because ideology is reflected in various themes of movements like class conflict, millenarian themes. क्या होता है millenarian theme?
मसीहा, जहां पे एक आदमी को भगवान मसीहा बना देते हो, भगवान का रूप है, हाथ लगाएगा ठीक हो जाएगा, पानी पी लो उसके हाथ से, धागा बांध लो, ये सारे मिलेनियरियन थीम्स हैं। रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, हम तो बौद्ध धर्म में चले जाएंगे, हम तो हिंदू धर्म छोटा वाला छोड़ देंगे, हम तो क्रिश्चियन बन गए। रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, अभी आपने देखा ना, कल परसों दोबारा हुआ कि बैंगलोर में एक स्कूल है मेटाफिजिकल, हाँ मेटाफिजिकल है ये बात, मिलेनियरियन थीम्स मेटाफिजिकल है। उन्होंने बोला कि भाई ये स्कूल जो है अपनी किताबों के साथ बाइबल क्यों पढ़वाता है, गलत कर रहा है ये क्यों अंडरटेकिंग लेता है कि आपका बच्चा बाइबल पढ़ेगा। अरे भाई वो माइनॉरिटी स्कूल है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसको राइट है उस चीज का अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो शुरू से इस चीज को लेके चलता है, लेकिन वो ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप बाइबल पढ़ लो तो बाकी कुछ पढ़ोगे ही नहीं। तो सर कुछ माइनॉरिटी को राइट्स दिए गए हैं उनके कल्चरल रिलीजियस, उसके लिए आप देखो, आप न्यूज़पेपर में देखना आया हुआ है, बड़ा फेमस स्कूल है 1914 का कॉन्वेंट स्कूल, लेकिन हिंदू धर्म वालों ने बोला कि भाई बाइबल क्यों पढ़ाते हैं, बाइबल क्यों। तो ये एक तरीका है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का। तो क्या ये बात सही है, क्या ये गलत है, तो आप लोग सोचिएगा और मुझे टॉपिक के हिसाब से बताइएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2 सेकंड के लिए, ताकि ये खत्म ही हो जाएगा टॉपिक। रिवोल्यूशन, चेंज द पैराग्राफ, रिवोल्यूशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। That is a radical change and as per James M. Jasper, as per James M. Jasper, it seeks to overthrow. It seeks to overthrow the government or state within bracket minimum, मतलब at minimum level अगर आप कहो, कम से कम इतना तो revolution चाहती है क्रांति। And this is reflected in political terms. This is reflecting in political terms because it wants to change political order. वो political order को change करना चाहती है. By means of mass participation चाहिए. एंड इवन इन वायलेंट मैनर, क्रांतिकारी जो है वो आंदोलन जो है वो हिंसक भी हो सकता है। एंड इट वॉन्ट्स टू चेंज सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना एंड सोशल लाइफ सामाजिक जीवन इन ए फंडामेंटल वे। So it can be a social movement, it can be a social movement or a form of social movement. Therefore it is possible for a social movement to become revolution.
एंड रिवोल्यूशन टू बिकम सोशल मूवमेंट, है ना? या तो सोशल मूवमेंट रिवोल्यूशन भी बन सकता है, एंड रिवोल्यूशन जो है सोशल मूवमेंट भी बन सकता है। बात समझ आई? दोनों चीजें ही पॉसिबल हैं। जैसे ही आप गोल एंगल सारी चीजों को चेंज करोगे, वो भी चेंज हो जाएगा और वो भी चेंज हो जाएगा। दोनों बातें ही अपने आप में पॉसिबल हैं। ठीक है जी। बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। आचल जी, तो आप लोगों की जो जो तैयारी है वो रिवॉल्यूशन है कि सोशल मूवमेंट है? सोशल मूवमेंट। अच्छा, किरण जी की सोशल मूवमेंट है। कोमल जी? मेरी दोनों है। ओह, रिवॉल्यूशन भी है सोशल मूवमेंट भी है। अच्छा, आंचल जी? रिवॉल्यूशन, यस। सरस्वती जी? सरस्वती, नाउ इट इज सोशल मूवमेंट बट सून इट विल बी रिवॉल्यूशन। अच्छा, ओके। ब्रिज बाला जी का कहना है, सरस्वती सर सोशल सोशल मूवमेंट है। सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति कह रहा है मैं सबसे सीधा हूं, मुझे वोट दीजिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा। हैं? क्यों सरस्वती? यस सर। तुम सब में सबसे क्रांतिकारी है ये। A revolution have a lasting impact on society because it leads to fundamental change in the structure of society. It leads to fundamental change in the structure of society, which are which are irresistible irresistible and irrevocable। ना तो उनको बदला जा सकता है ना उनको छोड़ा जा सकता है। इररेजिस्टेबल, इररिवोकेबल। ठीक है जी। एंड इट इज नॉट ए स्पोरेडिक इवेंट, यानी बस ऐसे ही हो गया जी, ऐसी छिटपुट घटना। रिवोल्यूशन छिटपुट घटना नहीं है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद, दे आर एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड डिजायरेबल इवेंट्स, पॉजिटिव एंड डिजायरेबल ह्यूमन वैल्यूज, पॉजिटिव एंड
डिजायरेबल ह्यूमन वैल्यूज लाइक लिबरेशन, इमेंसिपेशन, इक्वालिटी, एंड दे मे बी रिवाइवलिस्ट, दे मे बी रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मेटरी इन स्पिरिट, दे मे बी रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मेटरी इन स्पिरिट, बट नेवर conservative in their approach, huh? क्या बोलो जी? बात समझ आई मेरी? मैं क्या कह रहा हूं, दे आप इसके बाद लिख सकते हैं, दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मिलिट्री कूप्स, इसीलिए मिलिट्री कूप जैसे पाकिस्तान और ये सारे एग्जांपल आप दे रहे थे वो रिवॉल्यूशन नहीं है, वो मिलिट्री कूप है। ज्यादातर मिलिट्री कूप क्या होता है? तख्ता, जब हम मिलिट्री कोई तख्ता पलट कर देती है मिलिट्री कूप। एंड रिएक्शनरी इवेंट्स कंजर्वेटिव होंगे, छोटी सोच होगी, अचानक से होंगे, परिवर्तन नहीं ला पाएंगे लंबा। गुडविन distinguishes between conservative bracket में क्या लिखोगे? reformative, between conservative bracket में लिखिए reformative, conservative bracket में reformative and radical revolutionary movements, रेडिकल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो जैसे अब कंजर्वेटिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या हुई, कंजर्वेटिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का एग्जांपल क्या हुआ, जैसे अब भारत की जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है वो कंजर्वेटिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, यानी वो शांत है वो। अमेरिकन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव रिवोल्यूशनरी मूवमेंट उस तरीके से, पर अमेरिकन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव, इट इज अ रेडिकल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। रशियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, अरब स्प्रिंग जो हुआ था, अरब स्प्रिंग भी क्या है? रेडिकल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है। ये सारे रेडिकल एग्जाम्पल हैं उस तरीके से, है ना? और कोई एग्जाम्पल? और कोई एग्जाम्पल बताओ मतलब जहां पर भी जो हमने ऊपर पॉइंट्स बताए, रशियन, चाइनीज, ये सब क्या है? रेडिकल है। ये अरब स्प्रिंग हो गया, अब यूक्रेन में जो हो रहा है वो अगर आप उसके तरीके से बोलो तो रिवॉल्यूशन तो खैर नहीं है, रिवॉल्यूशन ही है एक तरीके से, वॉर के पीछे भी तो रिवॉल्यूशन ही है, मिलिट्री आ गई लेकिन अब तो, इसीलिए वो नहीं बोल सकते हम। इंडिया में जैसे अब कंजर्वेटिव रिवॉल्यूशन चल रहा है हर चीज का, कोरोना के खिलाफ जैसे रिवॉल्यूशन मतलब चला ही है, सोशल मूवमेंट ही चली है कायदे से, तो
वरना उसके बिना तो काबू ही नहीं हो सकता, लोगों के बिना सहयोग के तो हो सकता है किरण जी? तो ऐसे सोचना है। बट की जगह आप लिख दो देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल जैक गोल्डस्टोन, फॉर एग्जाम्पल जैक गोल्डस्टोन Jack Goldstone notes that human rights movement Human right movement can be seen as a regular social movement in the West. It can be seen as a regular social movement in the West, but in case of China, it is seen as a radical revolutionary movement, है ना? Similarly, women rights movement in the West एक regular movement है, but in Islamic states like Saudi Arabia, Iran, it is a revolutionary step. तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं दैट द स्कोप इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, स्कोप इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है. इन केस ऑफ अ social movement, you know, scope is context specific in case of a social movement, and it is radical in revolution. Radical in case of revolution, it is radical. Similarly, methods can be violent, in case of revolution. ज्यादातर violent ही होते हैं, non violent से violent बन जाती है revolution. Non violent रहती है लेकिन can be violent, हमने कहा. Social movement is usually long drawn and sustained. लंबी चलती है, सस्टेन्ड चलती है. लॉन्ग ड्रॉन, सस्टेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. वेयर एज रिवोल्यूशन इज एब्रप्ट इन नेचर, it may be organized, it may be organized also, but it is sui generis, therefore
सोशल मूवमेंट ब्रिंग, सोशल मूवमेंट्स ब्रिंग चेंज इन सिस्टम. Change in system, whereas revolution bring change of system. Social revolution bring change in system, that bring change of system. In both revolution and social movement, there can be external support. There can be external support. Which is more possible in case of revolution? By revolution ko support kar do, aur sarkar ko palatwa do. That is why revolution leads to a political crisis. Political crisis affecting the state. Affecting the state. Political crisis affecting the state and its stability. And there is elite participation. There is elite participation. Generally, under the leadership of political dissidents, under the leadership of political dissidents, भाई जैसे जब बीजेपी पावर में नहीं थी तो भाई मनमोहन सिंह के रोज जूते मारते थे, खूब खूब जूते मारे हैं पार्लियामेंट में बाहर ये वो, तो देश की कोई बदनामी नहीं हुई. लेकिन आज आप कुछ बोल दो करंट लीडरशिप के अगेंस्ट तो देश बदनाम हो गया, देश की इज्जत खराब कर दी, देश को डुबो दिया, देश को मत कर दिया. अब देश कहां से आया, पहले देश नहीं था. तो ये आइडियोलॉजी होती है, ये तरीका होता है. एक्चुअल में चेंज क्या आ रहा है ये तो बात में वक्त बताएगा. श्रीलंका का हाल देखो क्या हो गया, पाकिस्तान देखो, श्रीलंका देखो. कोरोना तो खैर हमने हैंडल किया है बेटर, एंड वी होप फ्यूचर भी अच्छे से हो. फोर्थ वेव तो आ चुकी है खैर, बाय द वे आप लोगों को पता ही होगा. तो मास्क का प्रयोग कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और खुश रहिए. तो ये खत्म हो गया जी एक तरीके से. हमने पूरा न्यू सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट, क्या विचार होते हैं सब हमने मोटा मोटा सारा कवर कर दिया. आप अगर कुछ पढ़ते हैं, जैसे इग्नू में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी कुछ ना कुछ है,